साथ राष्ट्रीय जनता दल की फ्रंट प्रवक्ता सारिका पासवान है। सारिका जी, आज बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने मोदी सरकार के विरोध में किया है, क्या संदेश देना था? देखिए, हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है, भारत सरकार से ये मांग है कि जो बिहार में जाति आधारित गणना के बाद 65% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, उसे नवी अनुसूची में डाली जाए ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके। बस यही एक साधारण सा मांग है, और कहा हम लोग कुछ अलग मांग रहे हैं। लेकिन आप धरना पर बैठे थे, दूसरी तरफ आप दलित चेहरा, बड़े दलित चेहरा श्याम रजक ने अपनी पार्टी को बाय बाय कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, 133 सदन तो लोकसभा में बैठे हैं जो आदिवासी और दलित समाज से आते हैं, और भाजपा में भी कई ऐसे दलित चेहरे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो। इनको देखिए, इनके दो चेहरे हैं और दो दांत भी, मैं कहूँगी, एक दांत खाने के और एक दांत दिखाने के। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो वो आरक्षित सीट से लड़ेंगे, लेकिन जब इनको लोगों के अपने समुदाय और समाज की बात करनी आती है, करना होता है, तब ये क्या करते हैं, मोदी जी के हनुमान बन जाते हैं ये लोग। तो इस तरह के लोग और इस तरह के चेहरे जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चाहे वो जो हो, आपने जिनका भी नाम लिया, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो लोभ और अपने स्वार्थ में जा रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा की लड़ाई है गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, आदिवासियों की, अधिकारों की लड़ाई है। हमारे नेता जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नारा है कि हर हाथ में नौकरी हो, माताएं और बहनें जो है हमारी सुरक्षित हो, स्वावलंबी हो, बिहार का विकास हो, और यही लड़ाई जो है हम अपने नेता के साथ लड़ रहे हैं। तो श्याम रजक पर साफ बोलने से इनकार कर दिया, कह दिया साफ कि नोटिस भी राष्ट्रीय जनता दल नहीं लेता है। श्याम रजक ऐसे नेता आते और जाते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बड़े विचारधारा है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना से।